गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम अपना हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ के आए थे, तो हमने पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और अपना जो सारा का सारा बिजनेस सेटअप है वो बंगाल में किया, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे ये बड़ी प्रोविंसेस पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, अपना इम्पीरियल रूल जब स्टार्ट किया, तो इंग्लैंड से फरमान आता है कि अब इंडिया में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर है ना, आप ये मान के चल सकते हो इक्विवेलेंट प्रेजिडेंट के पावर के बराबर है आज के। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल की जो पावर होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, अंडरस्टैंड, तो वो आप कह सकते हो कि आज की डेट में जो हमारे जो कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनके पावर के इक्विवेलेंट थी। मतलब कोई भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पास करने, कोई भी बिल को कानून बनाना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने, ये सब के सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर थी, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड ऑल्सो मिलिट्री रिफॉर्म्स। ठीक है, तो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास मिलिट्री पावर्स भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है इंडिया में बहुत सारे चेंजेस करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं। वो सारे रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम कितना था, 1828 से लेके 1834, 1828 से लेके 1834 तक। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो जो विलियम बेंटिक हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन रिफॉर्म किया था कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करनी है, उसके लिए हमें जो है इंडिया में स्पेशली स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, प्लस एनुअल बजट में से ब्रिटिशर्स ने अपना 1,00,000 रुपया जो है स्पेशली इंडिया में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए एलोकेट कर दिया था। तो एक बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेज़ इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर इंग्लिश लेवल को जो है स्प्रेड करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर ऊपर के लेवल पे ऑफिसर्स जो होंगे वो ब्रिटिशर्स ही होंगे, लेकिन जो लोअर लेवल पे काम करवाना पड़ेगा उसके लिए तो इंडियंस को ही नियुक्त करेंगे। तो इसलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 6th स्टैंडर्ड से जो है ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया कि 6th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो इंडियंस होंगे, जो इंडियंस पढ़ेंगे स्कूल में, ठीक है, उनको इंग्लिश आनी चाहिए और बाद में हम जब उनको रिक्रूट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में तो हमें कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना लगे। इसलिए जो है सबसे बड़ा पॉइंट है उस टाइम के ऊपर विलियम बेंटिक ने सबसे ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए रिफॉर्म किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एबोलिशन ऑफ सती। अब आप लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने सती के लिए मूवमेंट चलाई थी कि सती सिस्टम को बैन किया जाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने लोगों को जागरूकता फैलाई, मूवमेंट चलाई अपने लेवल पे। और उस टाइम पे इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ऐसा कानून पास किया कि जिसमें सती सिस्टम को एबोलिश करने की बात की जा रही है, ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो कब हुई थी सती सिस्टम एबोलिश, 1829 में, 1829 में। और जब सती सिस्टम को बैन किया गया, इसने कानून बना दिया कि अब से इंडिया में कोई भी अगर सती प्रैक्टिस करेगा, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर किसी लेडी को जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया उसको अग्नि में ज़बरदस्ती सती करेगा, ठीक है, उसमें उसे जो है उसकी इस तरीके से अगर डेथ की जाएगी तो उस पर्सन के ऊपर केस चलेगा और उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्रेशन ऑफ ठग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टाइम के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे जो ठग्स थे, ठग्स का मतलब लुटेरे आप कह सकते हो, जो जंगलों में रहते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा जो है रोल इंक्रीज़ हो गया था
विलियम बेंटिक के टाइम पे। तो जो ठग्स का सप्रेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए अप्रॉक्सीमेट पूरे सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो है इन ठग्स को कंट्रोल किया था। तो सप्रेशन ऑफ ठग्स को कंट्रोल किया था 1830 के टाइम पे, ठीक है, विलियम बेंटिक का टाइम था। और उसके बाद जो आप ये कह सकते हो कि जो मर्चेंट्स को या लोगों को लूटने का जो काम था जो ठग्स थे, ठीक है, वो बहुत हद तक कम हो चुका था। नेक्स्ट इज एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर्स इन इंस्टेड। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलियम बेंटिक के टाइम पे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो प्रोविंसेस में जो कोर्ट्स थी जहाँ पर जो कॉमन पीपल है अपनी कोई बात, अपनी कोई प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर आप कोर्ट में अपील करना चाहते हो, अपनी कोई याचिका देना चाहते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसने देखा इस चीज़ से जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, मतलब कि लोगों को न्याय मिलने का जो प्रोसेस है वो बहुत लेट हो रहा है। तो इसने क्या किया जी, कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कमिश्नरेट सिस्टम स्टूडेंट्स आज भी बड़ी बड़ी स्टेट्स में है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पर आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का पार्ट है कमिश्नरेट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जब कोर्ट्स नहीं होती डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, और वहाँ पर अपील के लिए DM जो होता है, मजिस्ट्रेट जो होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और आप ये कह सकते हो जो DC होता है, उसके पास ही कमिश्नरेट लेवल की सारी पावर्स होती हैं, जुडिशरी पावर्स भी होती हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए विलियम बेंटिक ने ये रिफॉर्म किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन कलकत्ता इन 1835। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला मेडिकल कॉलेज किसके टाइम पर खोला गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला मेडिकल कॉलेज कब कहाँ खोला गया था, कलकत्ता में इन 1835, 1835 में, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली 1835 में ओपन होता है, लेकिन इस चीज़ की जो शुरुआत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक कर जाता है, ठीक है जी, कि इंडिया में बड़े लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन होने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद महाराजा रंजीत सिंह इन 1831। तो अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, फ्रेंडशिप अलायंस साइन किए थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेजों को पता था कि महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत बड़े रूलर हैं पंजाब प्रोविंस के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, जिनका रूल जो है वो अमृतसर से लेके काबुल कंधार तक फैला हुआ है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स उनके साथ जो है फ्रेंडली अलायंस करते हैं पहले, ठीक है, फिर फ्रेंडली अलायंस करने के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो धोखे से जो है उनके एम्पायर को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा गया है, सती सिस्टम कब एबोलिश हुई थी, उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सर चार्ल्स मेटकॉल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो चार्ल्स मेटकॉल्फ था इसका टाइम पीरियड था 1834 से 36। स्टूडेंट्स चार्ल्स मेटकॉल्फ के टाइम पर इसे एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने प्रेस के ऊपर से आज़ादी जो है आप कह सकते हो दोबारा कायम कर दी थी। लाइक जब ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे हमको बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, मतलब कि हम मार्केट में या आप कह सकते हो सोसाइटी में अंग्रेज जो भी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, वो मार्केट में वो चीज़ें प्रिंट नहीं हो सकती थी, ठीक है। इस चीज़ को लेके अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया, लेकिन जब चार्ल्स मेटकॉल्फ का टाइम आया इसने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें कि इसे इसने जो प्रेस को है, इंडियन प्रेस को पूरी की पूरी लिबर्टी दे दी, ठीक है। तो इसे एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ही लिबर्टेड द प्रेस इन इंडिया,
ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट पता चल गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चार्ल्स मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑकलैंड। स्टूडेंट्स इसका टाइम पीरियड है 1836 से लेके 42 के बीच में। टाइम पीरियड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड नहीं पूछा होता। हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस के टाइम पर रेलवे जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया था, ठीक है, किसके टाइम पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, ऐसा कानून बनाया गया था कि जिसमें जो है प्रेस को आज़ादी दे दी है, ठीक है, मेटकाल्फ, किसके टाइम पे सती सिस्टम एबॉलिश हुई थी, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको एक क्रोनोलॉजी में टाइम का पता होना भी ज़रूरी है कि कौन सा गवर्नर जनरल कब आ रहा है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता इतना। ये इम्पोर्टेंट आपको नाम पता होना चाहिए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे स्टूडेंट्स फर्स्ट अफगान वॉर हो रही है, ठीक है जी, फर्स्ट अफगान वॉर मतलब कि ऑकलैंड के टाइम पे अफगानियों के साथ फाइट हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद जब ये ऑकलैंड के टाइम के बाद नेक्स्ट जो रूलर आया वो था लॉर्ड एलनब्रुक। लॉर्ड एलनब्रुक के टाइम पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध, तो ये अफगान्स को हराने के बाद पहला गवर्नर नियुक्त हो रहा है सिंध का, ठीक है, मतलब सिंध प्रोविंस भी जो है अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड है 1844 से 48। हार्डिंग के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो रही है, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लाहौर हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एलनब्रुक के टाइम पे जो है लॉर्ड एलनब्रुक के टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी। देन उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेज स्ट्रेटजी के साथ हमला करते हैं, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर होती है जिसके बाद की ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करनी पड़ती है सिख को, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स ने, आप ये कह सकते हो, इंडिया के मेजर 12 प्रोविंसेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट जो था लॉर्ड डलहौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स उससे पहले आप ये बेसिक पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेटकाल्फ, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे अफगान वॉर हो रही है, ठीक है जी, लॉर्ड एलनब्रुक के टाइम पे अफगान वॉर के बाद क्या होगा, अंग्रेजों ने सिंध अपने कब्जे में ले लिया और ये पहला गवर्नर नियुक्त हो रहा है सिंध का भी, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो रही है, ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ रहा है सिखों को, ट्रीटी ऑफ लाहौर करनी पड़ रही है अंग्रेजों के साथ। अंडरस्टैंड, क्लियर, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे है देखिए लॉर्ड डलहौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है जी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड बहुत लंबा था और इसने सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किए थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैं अभी आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से लेके 56 तक, ठीक है जी, 1848 से लेके 56 के बीच में। सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848-49 में, जिसमें कि द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। तो बेसिकली डलहौजी के टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है जिसमें कि अंग्रेज पंजाब को टोटली एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है जी, अपने अंडर ले लेते हैं। एबोलिश द टाइटल्स एंड पेंशन सिस्टम इन इंडिया, कहता जी जो भी आपके पास राजा महाराजा नवाब बहादुर जो भी आपके टाइटल्स हैं वो सारे ख़त्म करो, ठीक है। अब कैसे टाइटल्स, अब पूरे इंडिया में जो है इंपीरियल रूल इस्टेब्लिश हो चुका है, पूरे इंडिया को गवर्नर जनरल्स के ऑर्डर फॉलो करने, हम आपकी प्रोविंसेस को चला रहे हैं, और अब किस बात की पेंशन, इसने कहा जी लोगों की पेंशनों पे भी बंद करो, मतलब कि जो भी राजा महाराजा कोई स्टेट का नवाब था, किसी स्टेट का कोई राजा था, उनको अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में पेंशन स्टार्ट की थी जब इंडिया में वो ट्रेड पर्पज से आए। अब कह रहे जी अब कौन सा ट्रेड, अब तो सब कुछ जो है इंग्लैंड की गवर्नमेंट देख रही है, स्टेट को, पूरी की पूरी कंट्री को हम चला रहे हैं, आपकी स्टेट्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो राजाओं की पेंशन और उनके टाइटल डलहौजी ने अबोलिश किए। इट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि डलहौजी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, ठीक है जी, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर अपने टाइम पे था, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विडो री मैरिजिंग एक्ट 1856 पास किया। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, विडो री मैरिजिंग एक्ट जो है इसके लिए ईश्वर चंद विद्यासागर,
ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है जी। ईश्वर चंद विद्यासागर ने जो है मूवमेंट चलाई थी, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो डलहौजी ने क्या कहा जी, जो इंडिया में जो विडोज़ हैं उनको भी दोबारा मैरिज करने का राइट होना चाहिए, और विडो री मैरिजिंग एक्ट पास किया 1856 में, ठीक है। तो किसने मूवमेंट की थी, ईश्वर चंद विद्यासागर ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज ही इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो सबसे बड़ा कारण बना था 1857 के रिवोल्ट का, ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लॉर्ड डलहौजी। हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके टाइम पे पास हुई थी, या किस अंग्रेज अफसर ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस रेलवे टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया इन 1853। इंडिया में रेलवे सिस्टम कौन लेकर आया, लॉर्ड डलहौजी। इंडिया में पोस्टल सिस्टम कौन लेकर आया, जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में, लॉर्ड डलहौजी। इंडिया में टेलीग्राफ सिस्टम कौन लेकर आया, लॉर्ड डलहौजी। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कुछ साल पहले तक टेलीग्राफ सिस्टम चलता था, जिसे तार भी कहते हैं, ठीक है। टेलीग्राफ एज कम्पेयर टू जो आपकी पोस्टल सिस्टम है उससे फास्ट होता है, ठीक है, जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट नोट में अपना मैसेज लिखना होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी थी ना, क्योंकि टेलीग्राफ अगर किसी एक अंग्रेज अफसर को एक प्रोविंस से अपने किसी दूसरे प्रोविंस दूसरे ऑफिसर को भेजना है, ठीक है, अपने जूनियर्स को कोई कमांड करनी है, तो उसके लिए टेलीग्राफ सिस्टम होना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों को जो कह सकते हो कि जो भी मैसेजेस भेजने हैं, जो भी मनी ऑर्डर भेजना है, जो भी उन तक चीज़ें भेजनी है, पोस्टल सिस्टम होना ज़रूरी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में से रॉ मटेरियल फॉरेन भेजना था। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉरेन तो बाय सी रूट भेजा जाएगा, लेकिन समुद्री तट तक, कोस्टल रीजन तक, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर से सारा रॉ मटेरियल जो है सी रूट तक पहुंचाया जाए, उसके लिए रोड्स एक सफिशिएंट मीडियम नहीं था, इसलिए रेलवे इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंडिया में रोड्स डेवलपमेंट हुई, जो आज की डेट में आपकी जीटी रोड है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जिसको शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रोड शेर शाह सूरी ने डेवलप की थी फ्रॉम सासाराम बिहार टू पेशावर, वही सेम रोड को लॉर्ड डलहौजी ने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, वो रोड दोबारा बनाई और उसका नाम जीटी रोड रखा, ठीक है जी, ग्रैंड ट्रंक रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिश पीडब्ल्यूडी इन एवरी प्रोविंस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आपको पता है स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो ब्रांचेज हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर चल रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में रोड्स का बनना, ठीक है, और हमारे एरिया के जो सीवे सिस्टम है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सब पीडब्ल्यूडी के अंडर ही आ रही हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको पता है कि जेई वगैरह इंजीनियरिंग की जो है भर्ती रिक्रूटमेंट्स आज भी गवर्नमेंट करवा रही है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये लॉर्ड डलहौजी ने उस टाइम पर स्टार्ट कर दिया था। तो जितने भी आप देखते हो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं, कई तो ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। आर्मी पुलिस रिफॉर्म सब अंग्रेजों ने किया, ठीक है। आज भी जो हम देखते हैं हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, जो आर्मी का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था वही सब कुछ सेम स्टैंडर्ड आज भी है। म्यूटनी हुई थी 1857 के रिवोल्ट की, जिसको सिपाही म्यूटनी कहा गया, सिपाहियों का आंदोलन कहा गया जिसे। उस टाइम पे जो सिपाही थे उनको सूबेदार रैंक से ऊपर प्रमोट नहीं किया जाता था। कोई भी अगर पर्सन एक लोअर रैंक सिपाही के रैंक पर भर्ती हो रहा है, तो वो रिटायरमेंट तक मैक्सिमम सूबेदार रैंक पर पहुँच कर रिटायर हो जाता था। वही सेम सिस्टम आज भी हमारे डिफेंस का है। आज भी कोई पर्सन अगर कोई सिपाही जो है रिक्रूट होता है, तो वो सेम सूबेदार रैंक पर पहुँचते रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आज भी सिस्टम वही चल रहा है जो अंग्रेज़ों के टाइम पर चल रहा था। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 डलहौजी के टाइम पर इंडिया में आया था, ठीक है जी। तो चार्टर्ड एक्ट क्या है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में,
कितने चार्टर्ड एक्ट आए थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट उस टाइम पे हिस्टोरिकल रिफॉर्म हुए थे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए थे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड्स डिस्पैच क्या था स्टूडेंट्स? वुड्स डिस्पैच एक एजुकेशनल रिफॉर्म था। ये क्या था? एजुकेशनल रिफॉर्म, ठीक है जी। तो वुड्स डिस्पैच में अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड करने के लिए स्पेशली अपने एनुअल बजट में 1,00,000 रुपीज़ जो है हर साल एनुअली, ठीक है, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए निकाले गए थे, और उस पैसे का यूज़ इंडिया में एजुकेशन लैंग्वेज को बढ़ाने में फैलाने में किया जाना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था। डलहौजी ने सोचा था जी, दे प्लान्ड ओपन यूनिवर्सिटीज़ इन कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। कहता जी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल की ही यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएंगी, ठीक है जी। तो उस टाइम पर एजुकेशन रिफॉर्म को लेके भी ब्रिटिशर्स बहुत बड़े लेवल पर, मॉडर्न एजुकेशन को लेके भी बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको डलहौजी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि लॉर्ड डलहौजी ने कितने सारे रिफॉर्म किए थे, ठीक है। मैं आपको एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन किया गया था रुड़की में, जो आज की डेट में IIT रुड़की बन चुका है, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी को आप ये कह सकते हो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके टाइम पर रोड्स, ब्रिजेस, GT रोड जो अपनी है, ठीक है, वो डेवलप हुई थी। PWD डिपार्टमेंट इसने डेवलप किया, इसने इंडिया में ओपन किया, हर प्रोविंस में, हर स्टेट में कहता जी PWD डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो PWD डिपार्टमेंट ही तो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस को डेवलप करेगा बनाने में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पेंशन और टाइटल्स एबोलिश कर दिए गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विडो रीमैरिजिंग एक्ट, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जो लॉर्ड कैनिंग था ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और यही लॉर्ड कैनिंग था ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी था। स्टूडेंट्स, बेसिकली लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इंडिया में रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। 1857 का जो रिवोल्ट था वो विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह था कि उससे इंग्लैंड की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट तक हिल चुकी थी। कहते जी इंडिया में जो हमने गवर्नर जनरल्स को भेजा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं, वो तो वहाँ जाके बैटल्स लड़ रहे हैं। अगर ऐसी बैटल लड़ते रहे, ऐसा ना हो एक दिन इंडियन हमको अपने देश से निकाल के फेंक दें। तो इसलिए ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों था? इसके टाइम पर 1857 का जब रिवोल्ट होता है, तो जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने सारी पावर्स लॉर्ड कैनिंग से छीन के, सारी पावर्स इससे लेकर, ठीक है, मींस सारी रॉयल पावर्स, जो भी गवर्नर जनरल को जो पावर होती है, मिलिट्री पावर्स, वो सारी ले ली, और इसको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब 1857 से लेके 1947 तक जो भी अंग्रेज आए उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लग गया। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन रिपीट होता है कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इसके टाइम पे 1857 रिवोल्ट हो रहा है, तो इसको गवर्नर जनरल के पोस्ट से हटाकर वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। तो इंडिया में फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी, आंसर इज लॉर्ड कैनिंग ही था। तो उसके बाद से अंग्रेजों ने बहुत सारे रिफॉर्म किए। सबसे बड़ा रिफॉर्म था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ स्टूडेंट्स,
इस रिवोल्ट को दबाने के बाद अंग्रेजों ने जब इसको सप्रेस कर दिया था तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंडिया की स्टेट्स में से ख़त्म कर दी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला कानून हटा दिया था, क्योंकि तकरीबन बहुत सारी प्रोविंसेस के स्टेट्स के रूलर्स जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। तो अंग्रेजों को ये था कि अब इंडिया में अगर हमारे खिलाफ हो गए हैं ये, तो हम इंडिया में कैसे अपना बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए अंग्रेजों ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला जो रूल था वो एबोलिश कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सो टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के बारे में डिटेल में समझते हैं। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था 1856 से 1862 के बीच में। सो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 रिवोल्ट हो रहा है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है। और लॉर्ड कैनिंग जो था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, और लॉर्ड कैनिंग का ही जो है आप कह सकते हो डिमोशन हो गया, क्या बन जाता है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे ओपन हो रही है 1857 में। तो जो लॉर्ड डलहौजी सोच कर गया था कि इंडिया में जो है हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ही तर्ज पे इंडिया में कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी है, तो वो इसके टाइम पर हो रही हैं। ठीक है जी, ही पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने कौन सा एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ऑफिसर के टाइम पे, किस वाइसरॉय के टाइम पे जो है इंडिया में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था, किस टाइम पर आप कह सकते हो हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी थी। ठीक है जी, जिसमें कि क्या था, एंडेड द कंपनी रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने ऐसा कानून पास किया जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो एबोलिश किया जाए, ठीक है, ख़त्म किया जाए और उसकी जगह पे क्वीन का रूल इस्टेब्लिश किया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनीज तो चल रही हैं, सब कुछ है इंडिया में जो अंग्रेज़ों का ऑलरेडी सेटअप है, बट उस टाइम के ऊपर आप ये कह सकते हो कि क्वीन ने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और कंपनी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विड्रॉल। हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके टाइम पर ख़त्म हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हटा दी गई थी। ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1859 वाज पास्ड। तो यहाँ पर बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर रहा है ये, जो आज की डेट में भी हमारे देश में जो इंडियन पीनल कोड है, ठीक है जी, जिसमें हम देखते हैं सारे के सारे जो भी पुलिस रिफॉर्म से लेकर जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं वो सब के सब इंडियन पीनल कोड के अंडर आते हैं। ठीक है, इंडियन पीनल कोड रिफॉर्म जो किया इसने, उसमें इंडिया में पुलिस इंट्रोड्यूस कर दी गई। देखो आप ब्रिटिशर्स का दिमाग, उनके खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बाद उन्होंने इंडियन पीनल कोड जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि हर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस कोतवाली बनाई जाएगी, मतलब कि पुलिस स्टेशंस बनाए जाएंगे। और इसलिए बनाए गए क्योंकि दोबारा से किसी एरिया में से कोई हमारे खिलाफ कोई रिवोल्ट ना हो जाए, उस एरिया की लोकल पुलिस और पुलिस स्टेशन उसको सप्रेस कर सके, दबा सके, उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल सके। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस रिफॉर्म भी हमारे देश में अंग्रेजों ने ही किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1858। पहली बार हमारे देश में अंग्रेजों ने इनकम टैक्स भी जो है किसने शुरू किया था, किसके टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया था, इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था। इसके बाद आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही वाइसरॉय मैं आपको करवाऊंगा जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से बहुत बार क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे जो है किसके टाइम पर ओपन हुई थी,
कैनिंग के टाइम पे, और इसको ओपन करने की प्लानिंग किसने की थी, जो इससे पहले वाला वाइस रॉय गवर्नर जनरल था, ठीक है जी, लॉर्ड डलहौजी। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म देखो डलहौजी के टाइम पे ही हुए थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया इसने, क्यों, कहता जी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, देखो कितने बड़े लेवल पे रिवोल्ट वगैरह हो गए हमारे खिलाफ, ठीक है, अब दोबारा ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो, इसलिए सारे जो राइट्स हैं वो इंग्लैंड की क्वीन के हाथ में दे दो, इंग्लैंड के पार्लियामेंट को सौंप दो, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो रही है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो एबोलिश हो रही है, विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, क्यों, अंग्रेज़ समझ चुके हैं कि इंडिया में जो प्रोविंसेस के जो रूलर्स हैं, ठीक है, कई ऐसे स्टेट्स के प्रिंसली स्टेट्स के हेड हैं जिनके खिलाफ हमने जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पास किया तो हमारे खिलाफ विद्रोह हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, तो उनको जो है शांत करने के लिए ये हटा दिया जाए, ठीक है। इंडियन पिनल कोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, कवर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो कि गवर्नर जनरल में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये मान के चलिए आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, हर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहिए, इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी वाइंड अप अवर सेशन, थैंक यू।